सो हे गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। यार सबसे पहले बात नहीं कर सकते, सबसे पहले निकलना है क्योंकि संडे की तरह फिर से मंडे भी लेट हो चुके हैं। संडे की सोच के सो रहे थे फिर लेट हो गए, इसलिए मेरे पास केवल 5 मिनट्स हैं, ब्रेकफास्ट करना है मुझे फिर निकलना है, इसलिए सबसे पहले निकलते हैं ऑफिस के लिए, नहीं तो लेट हो जाएंगे। चलो यार ब्रेकफास्ट में देखते हैं, ताबड़ तोड़ तरीके से यार दिक्कत आ गई, लेट हो गए सब तैयार। चलो निकलते हैं यहाँ से जल्दी से, लेट हो गए तब तो तरीके से। अरे चलो है, अब मौसम तो भाई हल्के हल्के बाद है ना, नहीं नहीं चलो हटो, हम तो आ चुके हैं और हमारा टफी देखो टफी। अरे बेटा ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं करो, आ गए। चलो ऊपर चले, और चलो ऊपर चले, चलो ऊपर चलते हैं यहाँ से। और ये देखो सफाई थोड़ी चल रही है, आ जाओ चलो चलो। अब ये देखो टफी हमारा ऊपर जाने को तैयार है, मेरा इंतजार करता है ना, इंतजार करता है, मैं आऊँगा चल जाएगा। चलो ऊपर चलो ना, आओ चलो चलो भैया, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ चलो आ जाओ चलो भाई। और उमस हो गई यार, गर्मी बहुत हो गई, देखो कितनी गर्मी हो गई। चलो जल्दी से फ्रेश होते हैं, कपड़े उतारते हैं और दूसरे कपड़े पहनते हैं, आराम करते हैं और अपना जो मील है थर्ड या फोर्थ मील जो है वो मील लेते हैं, उसके बाद आराम करेंगे फिर निकल चलेंगे भाई शाम को अपनी वर्कआउट के लिए। और आज है बैक की वर्कआउट, और बैक की वर्कआउट ओवर करनी ताबड़तोड़ तरीके बेहतरीन। तो चलो करते हैं थोड़ा सा आराम रिलैक्स, ठीक। चलो भाई साहब अपन तो हो चुके हैं फुल तरीके से रेडी और निकलते हैं सीधे वर्कआउट करने। और यार वहाँ से आने के बाद, ऑफिस आने के बाद जो है ना, सीरियसली बताऊँ तो इस वो कंडीशन नहीं रहती कि मैं बात कर सकूँ यहाँ पर कहीं बात कर सकूँ। मैं सीधे आता हूँ, जो अपना थर्ड मील जो होता है वो मील लेता हूँ और बस निकल जाता हूँ, उसके बाद सो जाता हूँ। और सोने के बाद जब उठते हैं रेस्ट लेने के बाद 1-2 घंटे, उसके बाद फिर हम जिम के लिए निकलते हैं वर्कआउट करने। तो ये अपनी यार पूरा प्रोसेस है, और देखो आगे क्या होता है। फिलहाल ट्रिप का प्रोग्राम बन रहा है, ट्रिप के बारे में बताया। चलो मैं अब वर्कआउट करके आ जाऊँ फिर बताऊँगा कि ट्रिप के बारे में क्या प्लान बन रहा है एक्चुअली। चलो भैया सबसे पहले तो हम जिम करने जो करते हैं रोज की तरह, हमें जिम करने ताबड़ तोड़ तरीके से, क्योंकि ऑलरेडी लेट हो रहा है और लौट के आके अपन को बहुत बात भी करनी है। चलो चलो अपनी एक्सरसाइज हो चुकी है पूरी फुल तरीके से बेहतरीन तरीके से, और आज थी पैक और मैंने बहुत ही ताबड़तोड़ तरीके से पैक लगाई है। अब चल रहा है अपन सीधे घर के लिए, क्योंकि टाइम हो चुका है 8:30 और 2.5 घंटे अपन को होगा एक्सरसाइज करते हुए। चलो चलते हैं यार, B1 पहुँचते हैं, गाड़ी उठाते हैं निकलते हैं। गाड़ी कहाँ है भाई? आज तो जनरेटर चल रहा है, बहुत भयंकर साउंड है, जनरेटर चल रहा है, लाइट है नहीं है क्योंकि। और गाड़ी उठाते हैं अपन, गाड़ी से निकलते हैं ताबड़तोड़ तरीके सीधे घर। हाँ आप तो गाड़ी भाई किसी ने हटाई नहीं है। चलो बढ़िया एक्सरसाइज करके आए हैं अपन, और आज तो बैक की एक्सरसाइज बहुत ही लाजवाब हुई थी, बहुत मज़ा आ गया आज तो। और बढ़िया शावर भी ले लिया हमने, मैं कह रहा हूँ ना आने के बाद भाई साहब ऐसा लगता है जैसे बाथरूम में घुस जाओ और शावर ले लो ठंडे पानी से, एकदम चिल्ड। सबसे पहले चिल्ड पानी पीते हैं, उसके बाद चिल्ड पानी से नहाते हैं, ये काम है पहले सबसे पहले वर्कआउट से लौटने के बाद। तो बढ़िया शावर लीजिए, अब अच्छा लग रहा है थोड़ा, अब एसी चलाएंगे बढ़िया और नीचे हॉल में, और बढ़िया करेंगे डिनर। और डिनर में अपना ये अपना फिफ्थ मील है ऐसा ही है, डिनर करते हैं बढ़िया ताबड़तोड़ तरीके से बढ़िया, मतलब रोटी कम खाएंगे, दाल ज़्यादा पियेंगे और सैलड खा लेंगे। चलो चलते हैं, फ़ोन किसका आ रहा है यार? हाँ फ़ोन आ रहा है किसी का। चलो यार बढ़िया डिनर हो चुका है,
बढ़िया तरीके से अपन ने, बेहतरीन तरीके से दो कटोरी तो अपन ने दाल पी, ठीक है। और डाइट क्या है ना, अगर आप वर्कआउट करते हो तो सबसे मस्ट इम्पॉर्टेंट है डाइट आपकी, तो डाइट बढ़िया होना चाहिए। जब आप एक्सरसाइज कितनी कर लो, डाइट सही नहीं है तो कुछ फायदा नहीं भाई, इसलिए डाइट होना चाहिए। मतलब मैं मतलब ये कहना चाह रहा हूँ, 100 में से 60% आपकी डाइट है, 40% आपकी एक्सरसाइज है, समझ रहे हो। और एक्सरसाइज ऐसे नहीं है भाई, एक्सरसाइज ऐसे नहीं है, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो, किसी का फोन आ गया, फोन में बातें करने लगे, फिर एक्सरसाइज करने लगे, फिर फोन पे बात करने लगे, फिर इधर उधर देखने लगे, कोई मतलब कोई फायदा नहीं भाई साहब का जिम जाने का, कोई फायदा नहीं है, कुछ नहीं होगा उससे। इसलिए 2 घंटे अगर आप जिम में हैं तो मतलब आपका दिमाग आपकी मसल्स पे होना चाहिए, तभी मसल्स ग्रो करेंगी। इसलिए अगर जो भी वर्कआउट करता है उससे बस मैं यही कहना चाहूँगा कि अपनी मसल्स पे वर्क कर रहे हैं तो मसल पे कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए, है ना। और डाइट तो बस भाई इंपॉर्टेंट, अगर डाइट नहीं है तो कुछ नहीं है, कितना भी कुछ भी कर लो। तो दिन के कम से कम 5-6 मील तो होने चाहिए, यानी कि एक बार खा लिया, दिन में खा लिया, रात में खा लिया, ऐसा नहीं, कम से कम 5-6 मील इन अ डे कंपल्सरी, मस्ट कंपल्सरी। चलो यार अपनी तो सिक्स्थ मील है अपनी, ये नाइट में जो होती है सिक्स्थ मील अपनी कंप्लीट हो चुकी है। अब कुछ नहीं, थोड़ी सी एक वेब सीरीज देखेंगे नेटफ्लिक्स पे और सो जाएंगे फिर, क्योंकि सुबह ऑफिस जाना है और कल है ट्यूसडे, तो ट्यूसडे को अपन क्या करते हैं, यहाँ देख के बात कर रहा हूँ, यहाँ देख के बात करना है मुझे, मैं भी यार अपनी फेस देख के बात करता हूँ, यहाँ देख के बात करिए, आपसे बात कर रहा हूँ ना मैं। तो नेक्स्ट डे क्या है अपना, ट्यूसडे, तो ट्यूसडे को अपन वर्कआउट हल्की करते हैं, लाइट करते हैं, क्योंकि अपन कुछ खाते नहीं है, सॉल्ट लेते नहीं है, इसलिए एक्सरसाइज कम ही हो पाती है, तो ज़्यादा अपन मेहनत भी नहीं करना चाहते, बॉडी को इतनी स्ट्रेस भी नहीं देना चाहते ट्यूसडे को। तो करते हैं इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जो भी चैनल पर नए हो और जो पुराने हो वो लाइक करिएगा। Till then, peace, good night.